एंजल ब्रोकिंग के चीफ टेक्निकल एंड डेरिवेटिव एनालिस्ट समित चौहान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। समित, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। बताइए क्या व्यू है आज के लिए भी, बचे हुए सेशन के लिए, और यहां से लेकर एक्सपायरी तक क्या ध्यान है? देखिए अमंत, लास्ट वीक लास्ट वेनसडे को हमने निफ्टी को एक 10,500 का सपोर्ट ब्रीच होते हुए देखा था। उसके बाद हमने एक अच्छा खासा सेल ऑफ लेटर हाफ में देखा था, बट इमीडिएटली ऑन थर्सडे ये हमने इंडेक्स में एक अच्छा खासा यूटर्न देखा और 10,500 का लेवल हमने रिक्लेम होते देखा था। तो उसके बाद तीन दिनों में हमने लगातार शॉर्ट कवरिंग मूव देखे। ये तीन दिनों के अगर हम मूव में देखे तो जो बीटन डाउन काउंटर्स थे रिसेंटली, उनमें काफी ज्यादा शॉर्ट कवरिंग रैली आई हुई। जैसे आपने एक जसडायल का भी अपने बात किया, फार्मास्यूटिकल स्टॉक्स जो हमारा मानना है ओवरऑल निफ्टी फार्मा अगर देखे तो बॉटमिंग आउट के प्रोसेस में है, तो इन सब स्टॉक्स में अच्छा खासा उछाल आ रहा है। बट अभी यहां से अगर कितनी तेजी होगी तो हमें लगता है कि 10,720 10,740 का एक स्ट्रांग हर्डल होगा, तो यहां पे आके थोड़ा बहुत आपको इंडेक्स स्पेसिफिक जो मोमेंटम है वो थमता हुआ दिखेगा। सो एज अ शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स अगर आपने नीचे की तरफ लॉन्ग्स क्रिएट किए हुए हैं तो एटलीस्ट इंडेक्स में आपको 10,720 के रेंज में एक बार मुनाफा वसूली करनी चाहिए। बट हमें लगता है कि उसके बाद फॉर अ टाइम भी एक कंसोलिडेशन रहेगा जहां पे आपको स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स अच्छे खासे दिखेंगे। ऑलराइट, तो 10,720 अब यहां से करीब 30 अंक और की जगह यानी सेंचुरी जब मार ले निफ्टी और उसके बाद थोड़ा आगे बढ़ने लगे तो फिर थोड़ा सा आपको प्रॉफिट बुक जरूर करना चाहिए। अगर आपने पहले खरीदा हुआ है बाजार में, तेजी करी हुई है निफ्टी में, तो ही ये रहा है। लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक जैसा कि समित कह रहे हैं, एक्शन जरूर देखने को मिलेगा। और देखिए 10,690 इस समय है, 10,690 का मतलब है इस समय दिन के हाइएस्ट लेवल पर बाजार कारोबार कर रहे हैं। 300 पॉइंट की तेजी बैंक निफ्टी में। आपने निफ्टी का लेवल तो बताया लेकिन बैंक निफ्टी का लेवल भी बताइए, बैंक निफ्टी कहां तक और ऊपर जा सकता है इस शॉर्ट कवरिंग में? देखिए तीन दिनों में जो निफ्टी में रैली आई है उसमें क्लियरली ये रैली अगर हम देखें तो बैंकिंग स्टॉक से ड्रिवन रैली है। बैंक निफ्टी ने काफी ज्यादा आउट परफॉर्म किया है, 25,600 के लेवल्स उसके जो इम्पोर्टेंट स्तर से इसने एक अच्छा खासा यूटर्न दिया हुआ है। तो बैंक निफ्टी के लिए गोइंग अहेड अगर कुछ लेवल देखने हैं तो 26,800 और 27,000 ये दो लेवल्स काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे। बट अगर 27,000 का लेवल हम ब्रेक करते जो रिसेंट हाई भी है तो हम अच्छी खासी तेजी होते देख सकते हैं। फिलहाल तो हमारा ये व्यू है कि 26,800 और 27,000 के आसपास आपको थोड़ा बहुत वापस मुनाफा वसूली दिख सकती है। ऑल राइट, 121-122 के आसपास था वो स्टॉक जब हमने पूछा था, जब लग रहा था आज खुलते ही तेजी होगी। और देखिए 432 का इस समय कारोबार अभी अभी हो रहा था, यानी करीब करीब 10 रुपए की तेजी बन चुकी है 442 का। हालांकि टारगेट वागले साहब का भी आना बाकी है। आपको क्या लग रहा है अगर ये शॉर्ट कवरिंग मूव देखने को मिला समेत, क्योंकि कच्चा तेल ने यूटर्न लिया है, तो क्या जेट भी अच्छा प्रदर्शन दिखा सकता है इस शॉर्ट कवरिंग में? कहां तक जा सकता है ये स्टॉक? देखिए रिसेंटली क्लियरली अंडर परफॉर्म किया है एविएशन स्पेस ने। जेट एयरवेज की बात करें तो 650 के लेवल से हमने एक नोज डाइव देखी थी, तो कहीं ना कहीं 400-380 के आसपास एक शॉर्ट टर्म एटलीस्ट बेस बन गया है। तो यहां से रिलीफ रैली हो सकती है जो आपको 500-520 के लेवल तक देख सकते हैं। आज की तो मूव क्लियरली एक शॉर्ट कवरिंग मूव है। हम अगर फ्यूचर्स में भी देखे तो एक 6% का उछाल है और एट द सेम टाइम हमने ओपन इंटरेस्ट में रिडक्शन देखा है। तो ये तो शॉर्ट कवरिंग मूव है, वो और कंटिन्यू हो सकती है, 470 से लेकर 500 के लेवल आने वाले कुछ दिनों में दिख सकते हैं। बट अगर एज अ शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स अगर आपने यहां पे कई दो दिनों में यहां पे लॉन्ग्स क्रिएट किए तो 470 से 500 के दायरे में एक बार मुनाफा वसूल कीजिए। ठीक बात है। तो और ये देखिए जबरदस्त आज तो दरअसल शॉर्ट कवरिंग ही बन रही है। जो एडीएजी शेयर आपको दिखा रहे हैं, जो जस्ट डायल आपको दिखा रहा है शॉर्ट कवर, ओबीसी देखिए अब अचानक से 9% ऊपर, पीएफसी देखिए 8% ऊपर, आरईसी के नतीजे आज आने वाले, नतीजे अगर इसके भी पीएफसी जैसे रहे तो फिर स्टॉक में पर भी रखिएगा नजर, अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। शुगर सेक्टर भी मजबूती के साथ कारोबार कर रहा है। बलरामपुर चीनी देखिए क्या जोर से गिरा था, 110 रुपए के लेवल के आसपास से हम कह रहे थे इसको बेचिए और आज हमारी राय थी यहां पर कि खरीदारी करके चलना चाहिए। और देखिए क्या जबरदस्त प्रदर्शन बलरामपुर चीनी आज दिखा रहा है, 4-5% ऊपर है। ये बताइए क्या यहां पर भी शॉर्ट कवरिंग देखी जा सकती है और ये शेयर और मजबूत हो सकता है? आपका टारगेट अपना क्या है समेत, इस शॉर्ट कवरिंग रैली में कहां तक जाएगा ये? देखिए मैं दादा डिस्क्लोजर लास्ट वीक अराउंड 67 हमने दोनों बलरामपुर चीनी में कॉन्ट्रा बाय ले रहा था, कहीं ना कहीं हमें बेस बिल्डिंग फॉर्मेशन इसमें पॉसिबिलिटी लग रही थी और हमने एंटिसिपेट किया था कि स्टॉक में एक रिलीफ रैली आ सकती है। तो क्लियरली लास्ट 2-3 दिनों में अच्छी खासी तेजी देखी और यहां से भी ये तेजी कंटिन्यू रहेगी, 84 तक ये बाउंस बैक रैली कंटिन्यू होने की पॉसिबिलिटी काफी ज्यादा है। तो अगर किसी ने लॉन्ग्स होल्ड लिए हुए लो लेवल्स तो होल्ड कीजिए, बट एट द सेम टाइम आप करंट लेवल पर भी फ्रेश पोजिशन बना सकते हो। 68 का एक अच्छा सपोर्ट है तो उसके आसपास एक स्टॉप लॉस बनके 84 के टारगेट के लिए इसको खरीदा जा सकता। तो समित पहले तो आपको बधाई
आपने सीएनबीसी आवाज के दर्शकों की कमाई कराई, 67 पर आपने पकड़ा और ये बोल्ड स्टेटमेंट दिया कि देखिए बॉटम लग रहा है बन चुका है। और दरअसल अब आप पीछे मुड़कर देखें तो आपको लग रहा है कि क्या जबरदस्त रिकवरी 67 से, ये देखिए 74.50 का आज इसने इंट्राडे हाई लगाया है और अभी भी आप कह रहे हैं इसको खरीद लेना चाहिए, तो इस बोल्ड कॉल के लिए आपको बधाई। और आज देखिए यही वो पॉकेट है जो आउट परफॉर्मेंस दिखा रही है। बलरामपुर चीनी है तो होल्ड करिए, नए लोग अभी भी खरीद सकते हैं, ये राय समिति की, और इसको नोट करिएगा और हम दोबारा से जब ये और अच्छा प्रदर्शन दिखाएगा तब वापस से इस जो वाक्य है इसको आपको सुनाएंगे। जैसा कि हम आपको अभी अभी देखिए जेट का सुना रहे थे वागले साहब का, वैसे ही समित चौहान का भी आपको ये कॉल दोबारा से सुनाएंगे। और एक बार फिर से रिपीट करिए आपका टारगेट क्या है यहां पर 84 का आपने कहा? जी अहमद, 84 का टारगेट है और नोट कर लीजिए इस टारगेट को। धामपुर देखिए, त्रिवेणी देखिए, बलरामपुर चीनी, ये पूरा का पूरा चीनी पॉकेट जो है वो जबरदस्त प्रदर्शन आज के सत्र में दिखा रहा है। ये देखिए हमारे जो डायरेक्टर साहब हैं वो दिखा रहे हैं मवाना द्वारिकेश भी मजबूत है, तो सारे चीनी शेयरों में बुधवार को कैबिनेट से पहले एक जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है। तो इस कैबिनेट की मीटिंग के ऊपर सबकी निगाहें टिकी रहने वाली हैं क्योंकि होप यही है कि यहां पर एक राहत पैकेज निकलकर आ सकता है। नजर रखिएगा कुछ और स्टॉक्स पर, आरईसी यहां पर भी बहुत सारी शॉर्ट पोजीशंस बनी हुई थी। ये बताइए कौन कौन से लेवल्स इसके लिए इंपॉर्टेंट है, अच्छे नतीजे आए तो कहां तक जाएगा और अब सपोर्ट कहां निकल कर आ रहा है जिस तरह से इस शेयर ने अब तक कारोबार किया है? देखिए क्लियरली स्टॉक ने अंडर परफॉर्म किया है, पीएफसी आरईसी ये दोनों स्टॉक्स ने काफी ज्यादा अंडर परफॉर्म किया है लास्ट कुछ महीनों से। कहीं ना कहीं 106-107 के आसपास एक शॉर्ट टर्म इसका बीज फॉर्म हो गया और आज हम एक अच्छी खासी रैली देख रहे हैं, तो ये रैली और थोड़ी एक्सटेंड होगी, 126 से लेकर 128 के इसके नियर टर्म के ऊपर की तरफ लेवल्स रहेंगे। तो एटलीस्ट आप आने वाले 2-4 दिनों में ये स्टॉक को एक ये रैली एक्सटेंड करते हुए देख सकते हो जिसमें 126 से लेकर 128 के लेवल्स ऊपर की तरफ रहेंगे। और सपोर्ट की अगर बात करें तो 115-114 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट बन गया है। बिल्कुल, देखिए हमने बहुत सारे आउट परफॉर्मिंग स्टॉक्स की तो बात कर ली लेकिन कुछ अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक्स भी हैं जिस पर आज हम सुबह से बात कर रहे हैं। पीसी ज्वेलर्स, इतने बढ़िया बाजार में भी लोग सोचिए इसको शॉर्ट कर रहे हैं और आज हम कह रहे थे ये शेयर चलने वाला नहीं है। नतीजों के बाद यहां पर जो अभी भी जो खबरें आई हैं वो बहुत ही निराशाजनक हैं। एक्सपोर्ट का जो फिगर था इनका उसको लेकर पहले भी क्वेश्चन मार्क थे और देखिए आज भी ये स्टॉक नहीं चल के दे रहा है, 6% नीचे है ये शेयर। बायबैक की खबर भी पहले काम नहीं कर पाई, ऊपर गया उसके बाद तेजी से वैसे ही नीचे फिसला। इसके चार्ट कितने कमजोर हैं ये बताइए, ये क्या आपको संकेत दे रहा है जो बढ़िया बाजार में जहां शॉर्ट कवरिंग हो रही है लोग इसको अभी भी देखिए यहां पर तेजी करने को राजी नहीं है, कैसे अप्रोच करेंगे आप इस शेयर को? देखिए अमन, क्लियरली जो हमने अगस्त से लेके दिसंबर 2017 में ये स्टॉक में जो रैली देखी थी उसका चांद तो ये स्टॉक का निकल गया। वक्रांगी के फियास्को के बाद ये स्टॉक ने एक अच्छा खासा करेक्शन ऊपर की तरफ देखा है और एक वेल डिस्ट्रक्टिव स्टॉक ये रहा हुआ है। तो हमारा यही मानना है कि एज अ रिटेल ट्रेडर आपको ऐसे स्टॉक से दूर रहना चाहिए जिनकी अगर आप दिन की रेंज देखें तो ये स्टॉक दिन में 10-15% ऊपर नीचे इजीली होता है, तो ऐसे स्टॉक से एटलीस्ट रिटेल निवेशकों को दूर रहना चाहिए। लेवल्स की अगर बात करें तो नियर टर्म में एक रेंज है 210 का ऊपर की तरफ काफी स्ट्रांग हर्डल है और एट द सेम टाइम लोअर बैंड देखे तो 160 के आसपास है, तो हमें लगता है कि ये 40-50 पॉइंट के रेंज में ही आने वाले कुछ दिनों में कंसर्ट हो सकता है। ओके, तो इसके ऊपर रखिएगा नजर। और आप देखिए आज सबसे अच्छा प्रदर्शन दिखाने वाला सेक्टर कौन सा नजर आ रहा है? फार्मा सेक्टर। जी हां, 2.5% ऊपर है ये सेक्टर और क्यों? क्योंकि सनफार्मा के नतीजों के बाद जबरदस्त तेजी देखने को मिली और हमने आपको सुबह सुबह कहा था कि स्पार्क में तेजी करिए। तो समित जी आप एक काम करिए, सनफार्मा स्पार्क दोनों के चार्ट देखिए, तब तक मैं दर्शकों को सुनाता हूं कि हमने क्या बातचीत करी थी आज स्टॉक 2020 में, आपको क्या बताया गया था। 7:30 से 8 बजे जरूर जल्दी उठकर देखा करिए स्टॉक 2020 का मुकाबला, क्योंकि सबसे पहले आप वहीं पर सुनते हैं कौन से शेयर में आज किस तरह का एक्शन देखने को मिलेगा। आइए जल्दी से सुनते हैं और फिर स्पार्क और सनफार्मा पर एक नया व्यू लेते हैं। दिखाई रहा है स्पार्क, देखिए आज का पिंच हिटर स्टॉक है, इस समय 9% ऊपर, दिन के हाईएस्ट लेवल पर यह शेयर भी कारोबार करता हुआ आपको नजर आएगा। सनफार्मा भी आप देखिए जबरदस्त तेजी 6% के आसपास की देखने को मिल रही है। स्पार्क सनफार्मा चार्ट्स पर क्या लग रहा है, कहां तक जा सकते हैं ये ऊपर शेयर? अब
देखिए मैं यहाँ पे भी एक मैं डिस्क्लोजर देना चाहूंगा, लास्ट वीकेंड हमने यू नो निफ्टी फार्मा पे एक ओवरऑल एक रिपोर्ट में भी ये मेंशन किया हुआ है कि हमें लग रहा है कि निफ्टी फार्मा एक बॉटमिंग आउट के प्रोसेस में है, जिसमें सन फार्मा ल्यूपिन हमारे प्रेफर्ड बेट है। सन फार्मा हमने यू नो लास्ट वीक रिकमेंड भी किया है, बट वो ऑप्शन सेगमेंट में क्योंकि स्टॉक का रिजल्ट था तो इसके चलते हमें लग रहा था कि यू नो ऑप्शन कॉल ऑप्शन के जरिए इसमें ट्रेड किया जा सकता है, तो हमने एक कॉल ऑप्शन इसमें रिकमेंड किया था जिसमें अच्छा खासा उछाल आया हुआ। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो फार्मा स्पेस पे काफी बुलिश है और लोअर लेवल्स पे एक्यूमुलेट करने की सलाह होगी। सन फार्मा की अगर बात करें तो नियर टर्म में हमें 520 से लेकर 540 के लेवल्स इसमें लग रहे हैं। स्पार्क की अगर बात करें तो स्पार्क हम उतना ट्रैक नहीं कर रहे, बट स्टॉक का अगर आज का उछाल हम देखें तो ये 410-420 तक की भी रैली एक्सटेंड कर सकता है। चलिए तो रखिएगा नजर स्पार्क के ऊपर। और देखिए इस समय कैनरा बैंक दिन के हाईएस्ट लेवल पर कारोबार कर रहा है। ध्यान रखिए कैनरा बैंक के नतीजे बुधवार को आने वाले हैं और बुधवार को अर्निंग्स के साथ साथ तक ये जो चौथी तिमाही के नतीजों का सिलसिला है ये भी खत्म होने वाला है। और देखिए बात जो तेजी देखने को मिली है, जो शॉर्ट पोजीशंस पहले से बनी हुई थी वो सारी कवर हो रही हैं। कैनरा बैंक लोग अब अपनी नतीजों से पहले पोजीशंस को कवर करते हुए दिख रहे हैं, ये समझ में आ रहा है। कैनरा बैंक ये भी सबसे खराब प्रदर्शन दिखाने वाला स्टॉक था पीएसयू बैंकों में, और जब से कैनफिन होम्स में हिस्सेदारी नहीं बेच पाए देखिए गिरता ही जा रहा था। अब कैनरा बैंक का क्या ऊपर जा सकता है, बाजार में जो शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल रही है इसके चलते, और कहां तक जा सकता है समित, इस पर राय दीजिए। देखिए ऑनेस्टली स्पीकिंग लास्ट वीक तक हमारा ये मानना था कि ये अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक रहेगा इन दिस स्पेस, और एसबीआई हम क्लोजली ट्रैक कर रहे थे रिजल्ट के बाद, ये स्टॉक में एसबीआई में अच्छे खासा उछाल भी हमने देखा था, बट कैनरा बैंक का हमें लग रहा था कि स्टॉक को एक 255 के आसपास काफी स्ट्रांग रेजिस्टेंस रहेगा, बट आज इसने ये लेवल से ब्रेकआउट दिया हुआ है। सो हमें लग रहा है कि मतलब आज अगर मोमेंटम देखें तो 275 तक ये रैली एक्सटेंड हो सकती है। क्लियरली ऑन ये एक्सपेक्टेड लाइंस पे नहीं थी, बट अगर आज का हम इसमें प्राइस एक्शन देखें तो स्टॉक में 275 तक ये उछाल कंटिन्यू रह सकता है। ऑल राइट, आप तो नजर रखिएगा इस स्टॉक पर, और एसबीआई तो हम नतीजों से पहले ही कह रहे थे इस शेयर को आप देखिए खरीद कर रख लीजिए। बढ़िया तेजी देखने को मिलेगी और क्या रैली देखने को मिली है इस सारे शेयर में। बैंक ऑफ बड़ौदा भी आज मजबूती के साथ कारोबार करता हुआ आपको नजर आ रहा है। तो पीएसयू बैंक्स आउट परफॉर्मेंस आज के सत्र में दिखा रहे हैं। आप समेत हमारे साथ बने रहिए, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद भी बहुत सारे ऐसे ही स्टॉक्स हैं जो भागते जा रहे हैं यहां पर ऐसे बाजार में। आज आईटी शेयरों पर भी हमें बात करनी है, एनआईआईटी, टेक महिंद्रा, HCL, TCS, हेक्सावेयर, ये सब ने देखिए आज अंडर परफॉर्म किया है। आईटी इकलौता ऐसा सेक्टर है जो आज के दिन सबसे खराब प्रदर्शन दिखा रहा है। आईटी सेक्टर में अब इन शेयरों में कैसे पोजीशंस आपको बनानी चाहिए बताएंगे ब्रेक के बाद। इस तरह से देखिए टर्न लिया है, अब ये मजबूत होना शुरू हो रहा है। आज आईटी सेक्टर में गिरावट देखने को मिल रही है, समय जल्दी से बताइए ये आईटी सेक्टर में कमजोरी क्या जारी रह सकती है, तो फिर आईटी शेयरों में ट्रेडिंग का ध्यान ना रखा जाए, और सबसे कमजोर क्या नजर आ रहा है आपको इसमें? जी हाँ, देखिए क्लियरली थोड़ा बहुत हम इंडेक्स बैलेंसिंग देख रहे हैं। रिसेंटली ओवरऑल आईटी सेक्टर ने अच्छा खासा आउट परफॉर्म किया था, और लास्ट दो दिनों से हम देख रहे हैं कि बीटिंग डाउन काउंटर्स और बैंकिंग में एक अच्छा खासा रैली आया है, एट द सेम टाइम आईटी काउंटर्स में प्रॉफिट बुकिंग आ रहा है। सो हमें लगता है कि फॉर अ टाइमिंग ये कंटिन्यू रह सकता है। इसमें मिड कैप आईटी स्टॉक्स है माइंडट्री, उसमें थोड़ा बहुत आपको ऊपर की तरफ सेलिंग प्रेशर दिखेगा। टीसीएस में ऊपर की तरफ सेलिंग प्रेशर दिख रहा है, तो फिलहाल के लिए इसमें लॉन्ग्स अवॉइड कीजिए, बट अगर इंफोसिस नो वापस 1150 के आसपास अगर आता है तो वहां पे एक अच्छा खासा आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकता है। ऑल राइट, इस पर रखिएगा नजर। शुक्रिया समित आपका इस जानकारी के लिए। शेयर बाजार में तो दमदार एक्शन है, लेकिन कमोडिटी बाजार का क्या है हाल बताने के लिए जुड़ चुके हैं।